ये तो हमें पता है कि वेदरिंग एक प्रोसेस होता है। जब कोई प्रोसेस काम कर रहा है तो उसका कोई आउटकम भी आएगा, कोई रिजल्ट भी आएगा। एंड इन द केस ऑफ वेदरिंग द रिजल्ट विच कम्स आउट इज एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन का मतलब अगर हम देखा जाए तो इसका मतलब हम कह सकते हैं डिस इंटीग्रेशन लेयर बाय लेयर। अगर मैं आपको सीधे शब्दों में एग्जाम्पल दूँ तो आपने प्याज देखी है, प्याज के ऊपर आप छिलका उतारिए, एक और उतारिए, तो लेयर्स उतरनी स्टार्ट हो जाती हैं जब तक कि प्याज पूरी खत्म नहीं हो जाएगी, लेयर्स उतरती रहेंगी। उसी तरीके का डिसइंटीग्रेशन जो होता है रॉक्स में भी होता है। मैंने शायद पहले भी बताया था पहली क्लासेस में कि क्या होता है जब वेदरिंग होती है, तो सबसे पहले जो ऊपर की लेयर जो होती है जो कि एक्सपोज होती है वेदरिंग एजेंट्स एक्सोजेनिक फैक्टर्स के लिए एक्सपोज होती है, वो एक्सोजेनिक फैक्टर्स उस लेयर को वेदर करते हैं और वो लेयर फिर धीरे धीरे हट जाती है। वो लेयर जब हट जाती है तो नेक्स्ट जो उसके नीचे जो लेयर है वो फिर एक्सपोजर पे आ जाती है, फिर जियोमॉर्फिक एजेंट्स उसकी वेदरिंग स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से किसी रॉक का डिसइंटीग्रेशन जो होता है वो लेयर के फॉर्म में होता है ज्यादातर लेयर के फॉर्म में होता है। इस लेयर के फॉर्म में जो डिसइंटीग्रेशन होता है उसको हम एक्सफोलिएशन कहते हैं। तो यही हमारा आज का टॉपिक है। एंड दिस इज अंकुर कौशिक एंड यू आर वेलकम ऑन आवर चैनल यूपीएससी एक्सेसिबल। दिस इज चैप्टर 6 गोइंग ऑन एंड जियोमॉर्फिक प्रोसेस इज द नेम ऑफ द चैप्टर एंड द टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इट्स नेम इज स्पेशल इफेक्ट्स ऑफ वेदरिंग। Special effects, as I have told you earlier or in this video, that weathering is a process, and the process, if there is a process going on, it will result into an outcome. There will be some result, there will be some outcome. So that outcome is exfoliation. ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है कि special effects of weathering, weathering के बहुत सारे outcomes होते हैं, लेकिन उसमें जो सबसे special effect जो होता है, जो हमारी NCERT जिसको special बता रही है, जो हमें पढ़ना है, वो exfoliation बता रही है। तो हमें आज exfoliation के बारे में पढ़ना है। In fact, NCERT में जितने भी इफेक्ट्स होते हैं वेदरिंग के बाद जितने भी आउटकम्स होते हैं उन सब आउटकम्स में हमें एनसीईआरटी में एक्सफोलिएशन के बारे में ही दिया हुआ है। तो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एक्सफोलिएशन ओनली इन दिस सेशन, इन द एनसीईआरटी सेशन। व्हेन वी विल बी डूइंग जीएस वी विल रीड अदर एस्पेक्ट्स आल्सो, अदर इफेक्ट्स आल्सो ऑफ वेदरिंग, बट यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ एक्सफोलिएशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दिस हैज ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन अंडर फिजिकल कंडीशन वेदरिंग प्रोसेसेस। ये कह रहा है कि इस एक्सफोलिएशन के बारे में हमने फिजिकल वेदरिंग कंडीशन जब पढ़ा था, व्हेन वी स्टडीड फिजिकल वेदरिंग कंडीशन, आई मस्ट रिमाइंड यू दैट वी हैव स्टडीड ऑल थ्री काइंड्स ऑफ वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड वेदरिंग ड्यू टू बायोलॉजिकल एक्टिविटीज और ऑल्सो कॉल्ड एज बायोलॉजिकल वेदरिंग। हम बायोलॉजिकल वेदरिंग या बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के वजह से जो वेदरिंग होती है वही पढ़ चुके हैं, केमिकल वेदरिंग पढ़ चुके हैं और फिजिकल वेदरिंग पढ़ चुके हैं। और यही एनसीईआरटी बोल रही है कि फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस में हमने पढ़ा है एक्सफोलिएशन के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ा था कि अनलोडिंग, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन एंड सॉल्ट वेदरिंग किसकी वजह से होता है? अनलोडिंग की वजह से, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एंड सॉल्ट वेदरिंग की वजह से। अनलोडिंग का मतलब मैं यहां पे आपको समझा देता हूं थोड़ा सा क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि वेदरिंग का जो क्यों होती है वेदरिंग, उस पर स्ट्रेस पड़ती है। स्ट्रेस वो ऊपर, उसके ऊपर मेटेरियल्स भी हो सकते हैं, पत्थर भी हो सकते हैं रखे हुए, मान लीजिए एक पर्टिकुलर रॉक का एग्जाम्पल ले रहे हैं, और ग्रेविटी भी हो सकती है। ठीक है, तो स्ट्रेस पड़ रहा है, मान लीजिए वो पत्थर हट जाए या उसकी ऊपर की लेयर जो है वो एक्सफोलिएट हो जाए, सबसे ऊपर की लेयर जो है वो डिसइंटीग्रेट होकर टूट के अलग गिर जाए, तो उसके ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा था, जो स्ट्रेस पड़ रही थी, शेयरिंग स्ट्रेस जिसको हम बोल रहे थे यहाँ पे, वो कम हो जाएगी, होगी ना कम, या खत्म भी हो सकती है। अगर एक पत्थर को बहुत सारे बहुत तरह रखे तो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, ग्रेविटी की वजह से थोड़ा कम कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जब वो कम होगी तो नीचे से भी तो उसको बाउंस मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने न्यूटन का लॉ पढ़ा है, सिंपल सी बात है कि अगेंस्ट एनी एक्शन देयर इज ऑलवेज रिएक्शन, कि किसी एक्शन का रिएक्शन जरूर होता है, समझ लो। तो अगर ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है और वो प्रेशर रिलीज हुआ, मान लीजिए मैं इस हाथ को दबा रहा हूँ, सपोज कीजिए मैं इस अपने इस हाथ को दबा रहा हूँ और ये प्रेशर सडनली रिलीज हो गया, तो ये हाथ जो फोर्स कर रहा था वो तो अभी चालू है ना, उसको तो होने में टाइम लगेगा रुकने में। ठीक है, तो वही रॉक के अंदर होता है, जब इलास्टिसिटी ऑफ रॉक जिसको हम बोल सकते हैं, जब उस पर से स्ट्रेस हटती है तो रॉक भी ऊपर की तरफ बाउंस करेगा। जब बाउंस करेगा तो उसकी ऊपर की जो लेयर है जो कि ऑलरेडी वेदर हो चुकी है वो ढीली पड़ जाती है और वो अपने जो सरफेस है उससे अलग हो जाती है, इसको हम फ्लैकिंग ऑफ बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अनलोडिंग की वजह से हो सकता है, थर्मल कॉन्ट्रेक्शन की वजह से भी होता है। मान लीजिए रॉक है, वो वेदर हो चुका है ऊपर से, थर्मल कॉन्ट्रेक्शन हुआ, रॉक सिकुड़ा, तो वो जो ऊपर वाली जो लेयर है वो उतना जल्दी नहीं सिकुड़ेगी, और जब नहीं सिकुड़ेगी तो दोनों के बीच में गैप आ जाएगा, जो नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर जो वेदर हो चुकी है, जो ओरिजिनल सरफेस है रॉक का, जो पेंट सरफेस है, तो वो तब भी फिर वो अलग हो सकती है। उसके अलावा फिर
सॉल्ट वेदरिंग, सॉल्ट वेदरिंग में भी हो सकती है, ये एक तरह की केमिकल वेदरिंग है। इसमें ऊपर की लेयर जो होती है वो उसको सॉल्ट जो है केमिकल्स जो होते हैं वो उसको डिसइंटीग्रेट कर देते हैं, वेदर कर देते हैं और वो धीरे धीरे अलग हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली ठीक है यहां तक आपको समझ आ गया। अब चलते हैं, चलिए अब एनसीईआरटी क्या बोल रही है। एनसीईआरटी बोल रही है एक्सफोलिएशन इज अ रिजल्ट बट नॉट अ प्रोसेस। मैंने आपको बता दिया कि एक्सफोलिएशन इज एन आउटकम, इट इज अ रिजल्ट ऑफ अनदर फोर्सेस विच इज कॉल्ड वेदरिंग। वेदरिंग इज द प्रोसेस एंड द रिजल्ट विच कम्स आफ्टर आफ्टर वेदरिंग इज कॉल्ड एक्सफोलिएशन। तो एक्सफोलिएशन जो है वो आउटकम है, रिजल्ट है, प्रोसेस नहीं है, प्रोसेस वेदरिंग है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। आगे चलते हैं। फ्लेकिंग ऑफ ऑफ मोर और लेस कर्व शीट्स ऑफ शेल्फ फ्रॉम अवर रॉक्स और बेडरॉक रिजल्ट्स इन स्मूथ एंड राउंडेड सरफेसेस। ये लाइन तो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पहले मैं दो तीन वर्ड्स बताता हूँ आपको। फ्लेकिंग ऑफ का मतलब पेरेंट मटेरियल से अलग होकर गिर जाना। ठीक है, ऑफ मोर लेस कर्व शीट्स ऑफ शेल्फ फ्रॉम रॉक और बेडरॉक। बेडरॉक का मतलब, बेडरॉक पता है आपको, चलिए बता देता हूँ। बेडरॉक का मतलब होता है नीचे का रॉक जिसके की ऊपर कोई स्ट्रक्चर है। जैसे कि मान लीजिए हम अभी प्लेन्स में रहते हैं, प्लेन्स के नीचे जब आप खोलना स्टार्ट करेंगे तो नीचे जो ओरिजिनल रॉक है वो निकल आएगा। ये किसी भी जगह पे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। हम नॉर्थ दिल्ली इंडिया में रहते हैं, यहाँ पे एल्यूवियम सॉइल है, लेकिन सॉइल कुछ कुछ ही गहराई तक, उसके नीचे फिर इसके रॉक जो पेरेंट मटेरियल है वो रॉक मिलेगा जिससे कि वो सॉइल डेवलप हुई है। या हमारे केस में ये सॉइल बाहर से आई है तो उसके नीचे जो पुराना रॉक है वो मिलेगा। साउथ इंडियन वाले में, साउथ इंडियन के केस में जो नीचे नीचे क्या ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल के नीचे लावा रॉक्स है तो वो निकलते हैं, तो उनको हम बेडरॉक बोलते हैं। ठीक है, यहां तक आपको मेरे ख्याल से समझ आ गया है, बेडरॉक बोलेंगे। चलिए, तो फ्लेकिंग ऑफ कह रहा है किस चीज का, मोर लेस कर्व शीट्स। कि कर्व शीट्स मान लीजिए स्ट्रक्चर है तो उसके ऊपर से ये स्ट्रक्चर है तो इसके ऊपर से ये स्ट्रक्चर कोई भी प्रॉपर राउंड नहीं होगा, प्रॉपरली राउंड नहीं होगा, ये इस शेप में हो गया मान लीजिए। तो मोर और लेस कर्व शीट, ये मान लीजिए ऊपर ऊपर का इतना जो एरिया है, मोर और लेस कर्व शीट जो है ये जो है ये अलग हो जाएगा शेल्स में, शीट ऑफ सेल्स के फॉर्म में, फ्रॉम द रॉक और द बेडरॉक, बेडरॉक से इन स्मूथ एंड राउंडेड सरफेस। और फिर क्या होगा, जब ये अलग हो गया तो क्या बचेगा, स्मूथ एंड राउंडेड सरफेस बचेगा इस तरीके से। ठीक है, ये इसका मतलब इस लाइन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सफोलिएशन कैन ओकर ड्यू टू, अभी एक्सफोलिएशन के कॉजेस बता रहे हैं, क्या क्या कॉजेस एक्सफोलिएशन के, ओकर ड्यू टू एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रेक्शन इंड्यूस बाय टेम्परेचर चेंजेस। एक्सफोलिएशन एक्सपेंशन और कॉन्ट्रेक्शन की वजह से भी हो सकता है। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रेक्शन कब होता है, थर्मल, जब टेम्परेचर घटता है बढ़ता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो एक्सपेंशन होता है रॉक्स में, और जब टेम्परेचर घटता है तो कॉन्ट्रेक्शन होता है। अब मान लीजिए कोई रॉक है वो फैला और फिर वो थोड़े टाइम बाद टेम्परेचर कम हुआ, फैलेगा कैसे, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। थोड़े टाइम बाद जब टेम्परेचर कम होगा तो फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसमें उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं तो उसके जो एजिस के जो पार्ट्स हैं वो टूट जाते हैं, कई बार अलग हो जाते हैं। यही प्रोसेस जब बार बार होता रहता है कॉन्ट्रेक्शन और थर्मल एक्सपेंशन और थर्मल कॉन्ट्रेक्शन का, तो जो एजिस के जो पार्ट्स, एजिस जो हैं, जो एजिस का एरिया है वो टूट जाता है और नीचे प्लेन राउंडेड सर्फेस बन जाता है। ठीक है, तो एक्सफोलिएशन का रीजन कॉन्ट्रेक्शन और एक्सपेंशन हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। एक्सफोलिएशन डोम्स एंड टोर्स। अब यहाँ पे दो स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया गया है। एक्सफोलिएशन से दो तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं, एक्सफोलिएशन डोम्स एंड एक्सफोलिएशन टोर्स। डोम्स का मतलब ऐसे, डोम को आपको पता ही ना, गुंबद नुमा, गुंबद शेप के जो पत्थर बन जाते हैं, जब ऊपर से ऊपर खबर पत्थर मेटेरियल हट जाएगा, ये वाला, ये सब तो एक्सफोलिएट हो जाएगा तो राउंड सरफेस बच जाएगा तो गुंबद की शेप ले लेता है, डोम की शेप ले लेता है, उनको हम एक्सफोलिएशन टोर्स बोलते हैं। एंड सॉरी एक्सफोलिएशन डोम्स बोलते हैं, एक्सफोलिएशन टोर्स कैसे बोलते हैं, कई बार आपने देखा हो कि इस तरीके से पत्थर के ऊपर पत्थर पत्थर रखा हुआ मिलता है, इनको देखने से ऐसा लगता है कि ये आसपास इसके कुछ और स्ट्रक्चर भी होगा, कोई और पत्थर भी रखे होंगे, लेकिन वो कहीं चले गए हैं, चले गए, वो मैं अभी बताता हूँ कैसे। एक्सफोलिएशन डोर्स एंड टॉम्स रिजल्ट ड्यू टू अपलोडिंग एंड थर्मल एक्सपेंशन रेस्पेक्टिवली। क्या कह रहा है कि जो डोम्स बनते हैं और जो टोर्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, अनलोडिंग से और थर्मल एक्सपेंशन से रेस्पेक्टिवली। मतलब एक्सफोलिएशन डोम्स जो बनेंगे वो अनलोडिंग से बनेंगे और टोर्स जो बनेंगे वो थर्मल एक्सपेंशन से बनेंगे। इसका मतलब समझे कि डोम्स जो बनेंगे वो अनलोडिंग, जब उसके ऊपर से स्ट्रेस कम हो जाएगी, वो ग्रेविटेशनल भी हो सकती है, वो किसी मटेरियल की वजह से, प्रेशर की वजह से स्ट्रेस भी कम हो सकती है। प्रेशर जब कम होगा तो ऊपर का जो मटेरियल है, ठीक है,
ऊपर का जो कहते हैं ना खुरदुरा टाइप का जो रफ मटेरियल होता है वो सब हट जाएगा और नीचे चिकना राउंड सरफेस बच जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेंगे? एक्सफोलिएशन टोर्स बनेंगे। ऑन दी अदर हैंड एक्सफोलिएशन टोर्स कैसे बनेंगे? मान लीजिए रॉक्स है, ये इनमें एक्सपेंशन हुआ, ये बीच वाला रॉक भी फैलेगा, फैले तो ये रॉक्स इधर वाले और इधर वाले गिर गए, कहीं आगे चले गए, ये इधर चले गए, तो बीच का बच गया, तो टोर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है कई बार, ठीक है। इन सब चीजों को हम जीएस में जब पढ़ेंगे तो और अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो है स्पेशल इफेक्ट्स ऑफ वेदरिंग खत्म हो गया। वेदरिंग बहुत जरूरी होती है हमारे में, अगर वेदरिंग प्रोसेस नहीं होता तो आज ये नॉर्थ इंडिया के जो प्लेन्स है जहाँ के हम रहते हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश और बिहार जो कि दुनिया का सबसे उपजाऊ एरिया है, वो ही नहीं होता। तो ऐसा मत सोचे कि वेदरिंग जो डिस्ट्रक्टिव है वो डिस्ट्रक्ट करती है चीजों को, रॉक्स को तोड़ देती है, नहीं, वो बहुत फायदेमंद है, ठीक है, हमारे लिए, खासतौर से ह्यूमंस के लिए। अगर वेदरिंग नहीं होती तो रॉक्स का भी डिसइंटीग्रेट नहीं होता, सॉइल का फॉर्मेशन का भी नहीं होता। इनफैक्ट आगे वाला टॉपिक हमारा सॉइल फॉर्मेशन ही है, वो भी वेदरिंग इरोजन से रिलेटेड ही है। तो ठीक है, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आएगा, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वो आएगा सिग्निफिकेंस ऑफ वेदर, ठीक है। तो ये टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ये क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट में बताइएगा, वो टॉपिक दोबारा बताया जाएगा। और लाइक और कमेंट तो करना ही, लाइक और सब्सक्राइब तो करना ही है। थैंक यू।